हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेगा होम किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम रसीले गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसे मैंने ब्रेड से बनाकर तैयार किया है। इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है, ग्राम में ये 400 ग्राम चीनी है। अब इसी की नाप से हम 2 कप पानी लेंगे। बर्तन में डाल दिया है, लेकिन मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और फ्लेम को हाई पे ही रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 इलायची को पीस कर उसका पाउडर बनाकर डाल दिया है। अब इसे लगातार हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे जब तक चीनी हमारी घुल ना जाए। इसी तरीके से चलाते हुए हमें चीनी को घुलने तक पकाना है। अब देखिए, चीनी हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल चुकी है, लेकिन हमें अब भी इसको टाइम देखकर 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकाना है, जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार ना हो जाए। इसे ऐसे ही लगातार हमें चलाते रहना है। आप चाहें तो आप इसमें केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। अब देखिए, चेक कर लेंगे। यहाँ पर चाशनी हमारी बिल्कुल चिपचिपी तैयार हो गई है। इसे उंगली में लेकर देखेंगे, आपको तेल जैसा लगेगा और थोड़ा सा उंगली में एक चिपचिपापन सा महसूस होगा। अब हमारी चाशनी बिल्कुल ही बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए, एक चिपचिपा सा लग रहा है। अब हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको साइड में ढककर रख देंगे। और अब आगे की तैयारी करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने ब्रेड से बनाया है गुलाब जामुन। इसके लिए यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड को ले लिया है। ये मैदे वाली ब्रेड हैं, आप चाहें तो आटे वाली ब्रेड से ही बना सकते हैं। अब इनके साइड के एजेस को हम कट कर देंगे। देखिए, एक चाकू से हमने इनके सारी किनारी को हमें कट कर देना है। बिल्कुल भी साइड पे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो लोई बनाते टाइम क्रैक पड़ सकते हैं। और जो साइडेस बच जाएंगे उसको हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, उसको हमें ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लेना है। आगे आप कटलेट या कुछ भी बनाएंगे ना, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से सारी ब्रेड को हमें तैयार कर लेना है। अब एक बाउल ले लेते हैं, उनमें सारी ही ब्रेड को छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप चाहें तो मिक्सचर जार में डालकर इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ हाथों से ही तोड़ लूँगी छोटा छोटा। बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ लेना है। देखिए, सारी ही ब्रेड को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। अब यहाँ पर हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, लेकिन दूध सारा ही नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। यहाँ पर लगभग मैंने 4 चम्मच दूध अभी ऐड किया है। अब इनको हाथों से मिक्स करते हुए एक डो के फॉर्म में बनाएंगे। अभी दूध मुझे कम लग रहा है, तो 2 चम्मच मैं और ऐड करूंगी। कुल मिला के यहाँ पर 6 चम्मच दूध मैंने ऐड किया है। देखिए, डो तैयार हो चुका है। अब इसे 10 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। जब तक डो रेस्ट कर रहा है, यहाँ पर मैंने कटे हुए काजू लिए हैं, 1 चम्मच गोले का बुरादा लिया है और उसमें 1 चम्मच घर की मलाई ऐड करी है और इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने खाने वाला कलर ऐड किया है, आप चाहें तो केसर दूध में मिक्स कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑप्शनल है कलर के लिए। अब जो डो तैयार करके रखा था, उसे हमें ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसलते हुए
स्मूथ कर लेना है। देखिए एक तरफ कढ़ाई में मैंने घी गर्म होने रख दिया है और अब आटा भी बिल्कुल तैयार है। अब लोई बनाने के लिए, लोई बिल्कुल इक्वल एक सी बने इसलिए मैंने यहाँ पे स्पून का यूज किया है। इससे सारी ही गुलाब जामुन बिल्कुल एक बराबर ही बनकर तैयार होगी। इसमें जो हमने काजू और नारियल का बुरादा और मलाई का जो मिक्सचर है ना, वो इसमें ऐड कर देंगे और स्मूथ गोली बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से सारी ही गुलाब जामुन हमें बनाकर तैयार कर लेनी है। देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है सारी ही। अब बस इसको फ्राई कर लेंगे। पहले घी को चेक कर लिया है, घी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके गुलाब जामुन को ऐड करेंगे। गैस को हमें पूरे टाइम लो रखना है गुलाब जामुन को फ्राई करते टाइम। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें इन्हें तेल में डालते हुए ही बिल्कुल भी टच नहीं करना है, सिर्फ तेल को ही हिलाते हुए हमें इन्हें सेकना है। इन्हें अपने आप ही उलट पलट होते हुए फ्राई होने दीजिए। जब ये हल्के से फ्राई होने लग जाए तब आप इनको पलट के इस तरीके से फ्राई करिएगा और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। अब बाकी की सारी गुलाब जामुन भी हम एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे ही गुलाब जामुन एक एक करके इसमें ऐड कर दिए हैं और अब देखिए ये गुलाब जामुन साइज में थोड़े बड़े हो गए हैं। इसी तरीके से हमें इन्हें उलट पलट करके सेकना है और बहुत ही पेशेंस के साथ स्लो आंच पर हमें इसको सेकते रहना है जब तक कि इसका बढ़िया सा गोल्डन कलर ना आ जाए। देखिए सेकते सेकते 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब देखिए कितना प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। हमारे सारे ही गुलाब जामुन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम गरम चाशनी में डालेंगे। मैंने चाशनी को 2 मिनट के लिए दोबारा से गरम कर लिया है और अब इन सारे ही गुलाब जामुन को हम चाशनी में डाल देंगे। अब इन गुलाब जामुन को ढककर 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। चलिए 2 घंटे हो चुके हैं, हमने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए 2 घंटे बाद हमारे गुलाब जामुन कितने बढ़िया रसीले और सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स आप इसको घर पर बनाकर ज़रूर से तैयार कीजिएगा, आपको बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि ये गुलाब जामुन अपने ब्रेड से बनाए हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।